हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महराज जर्नी। इस वक्त हम मेघालय की कैपिटल सिटी शिलोंग में हैं और आज हम इस खूबसूरत शहर शिलोंग को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम विलियमसन संगमा म्यूजियम और सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च को एक्सप्लोर करेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं विलियमसन संगमा म्यूजियम में। विलियमसन संगमा स्टेट म्यूजियम को विज़िट करने के लिए आपको एंट्री टिकट 5 रुपीज़ पर पर्सन लेना होता है। इसके अलावा आपको अपने मोबाइल फ़ोन के लिए भी अलग से 10 रुपीज़ देने होते हैं, जिससे आप यहां पर फ़ोटोज़ और वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। इस म्यूज़ियम में आपको नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत कल्चर की झलक देखने को मिलेगी। इस म्यूज़ियम में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के विलेज लाइफ को, उनके खान पान को, उनके रहन सहन को, उनके फेस्टिवल्स को, उनके ऑक्यूपेशन को, वे क्या करते हैं, इन सबको बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। यह म्यूज़ियम शिलोंग के फेमस टूरिस्ट लोकेशंस में से भी एक है। हालांकि यहाँ पर आपको ज़्यादा क्राउड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जितने भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं वे इस म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ फेस्टिवल्स को डिस्प्ले किया गया है। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के कल्चर के बारे में जानना है, समझना है, तो यह म्यूज़ियम आपके लिए एक आइडियल स्पॉट होने वाला है, तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। इस म्यूज़ियम को विज़िट करने के लिए टाइमिंग्स है मॉर्निंग में 10 बजे से इवनिंग में 4 बजे तक। इसके अलावा यह म्यूज़ियम सैटरडे और संडे को क्लोज्ड रहता है। इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बर्तनों को डिस्प्ले किया गया है। नॉर्थ ईस्ट की कम्युनिटी जिन बर्तनों का इस्तेमाल किया करती थी, उन्हें आप देख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट की विलेज लाइफ और वहाँ के लोगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बहुत ही खूबसूरती से डिस्प्ले किया गया है। अभी हम इस म्यूज़ियम के वेपन्स सेक्शन में आ गए हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स थे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, जिन वेपन्स का इस्तेमाल करती थी, उन्हें यहाँ बेहद आकर्षक ढंग से दर्शाया गया है। यह म्यूज़ियम पुलिस बाज़ार पॉइंट से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, तो आप यहाँ पर शेयर्ड कैब टैक्सी के थ्रू भी आ सकते हैं, जो आपसे 20 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर पैदल पैदल वॉकिंग करते हुए भी आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। अभी हम आ गए हैं इस म्यूज़ियम के पेंटिंग सेक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेघालय के टूरिस्ट लोकेशंस, यहाँ के वाटरफॉल्स और यहाँ के मोनोलिथ्स को बेहद बेहतरीन ढंग से दर्शाया गया है। अभी हम यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑर्नामेंट्स सेक्शन में आ गए हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन नॉर्थ ईस्ट के ऑर्नामेंट्स को जो ट्राइबल लोग पहना करते थे, ट्राइबल कम्युनिटी पहना करती थी, उन्हें कितनी बेहतरीन ढंग से यहाँ पर सजाया गया है। हालांकि ये म्यूज़ियम ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इस म्यूज़ियम को पूरी तरह से अच्छे से विज़िट करने के लिए आपको कम से कम 40 से 45 मिनट्स तक का समय चाहिएगा। विलियमसन संगमा स्टेट म्यूज़ियम को एक्सप्लोर कर लेने के बाद अब हम आ चुके हैं सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च में। अपने इस नीले रंग के कारण यह चर्च बेहद आकर्षक लगता है और इसके आसपास खड़े ये लंबे लंबे बड़े पेड़ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। यह चर्च शिलोंग के फेमस टूरिस्ट लोकेशंस में से एक है, तो टूरिस्ट जब भी शिलोंग टूर पर आते हैं तो वे इस चर्च को विज़िट करना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। यह चर्च विलियमसन संगमा म्यूज़ियम से लगभग 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है, तो आप यहाँ पर भी पैदल पैदल वॉकिंग करते हुए 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। इसके अलावा आप शेयर्ड कैब टैक्सी के थ्रू भी यहाँ आ सकते हैं, जिसके चार्जेस 20 रुपीज़ पर पर्सन होंगे।
हालांकि ये चर्च मेन रोड के बिल्कुल सामने है, लेकिन आप यहाँ इस चर्च के सामने बनी सीढ़ियों पर कुछ देर बैठ सकते हैं और यहाँ की शांति को महसूस कर सकते हैं। चर्च इस वक्त क्लोज्ड है। इवन अब ये चर्च जो है वो आउटसाइडर्स को अंदर प्रेइंग हॉल में अलाउ नहीं करता है। हालांकि पहले यहाँ पर आउटसाइडर्स विजिटर्स अंदर प्रेइंग हॉल में भी जा सकते थे, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में चर्च के बगल में ही एक स्कूल भी बना हुआ है। गाइज, हमने शिलोंग के और मेघालय के और भी कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।